और उत्तराखंड के जिले पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग से झंडी चौड़ हल्दूखत्ता गांव तक बनी सड़क के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब सड़क का निर्माण हो रहा था तब सड़क का डामर उखड़ने लगा। सड़क बनते बनते ही उखड़ गई है और इसी वजह से ग्रामीणों ने निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। उत्तराखंड के जिले पौड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग से झंडी चौड़ हल्दूखत्ता गांव तक बनी सड़क के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल खड़े किए हैं। झंडी चौड़ गांव की बनी सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता की कमी के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। स्थानीय पार्षद अमित नेगी ने बताया है कि यह सड़क पूरी तरीके से टूटी हुई है। उन्होंने कहा कि सड़क बनाकर जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वहीं पीछे से डामर उखड़ रहा है। ये हॉटमिल सड़क जो है चक्रधर प्रसाद से लेकर जेब स्टैंड तक बनाई जा रही है 1.5 से 2 किलोमीटर के, और कल छोड़कर परसों खुद यहाँ पर लोक निर्माण विभाग के जय मंगाई जी यहाँ पर थे और उनसे यही बात कही गई थी कि गुणवत्ता का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाए, और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि यहाँ पर गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन कल क्योंकि जय साहब यहाँ पर नहीं थे और ठेकेदार के जो कर्मचारी है ये इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, कल यहाँ पर यह हॉट मिक्स का यहाँ पर डाली गई, लेकिन आज स्थिति यह है कि पूरी यह सड़क जो है उखड़ चुकी है।